आप समीरा के घर जाने की तैयारी करें, क्योंकि मैं तो मिल चुकी हूँ उससे और वो बहुत अच्छी लड़की है, हमारे इस घर में जरूर एडजस्ट होगी। समीरा ने एक अमीरजादे को फंसाया हुआ है। सितवत, कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। पता था साथ मुझे, आप तो मुझ पर यकीन करेंगे ही नहीं। खैर, एक दो दिन में खुद पता चल जाए और रिश्ता खुद घर चलकर आने वाला। तो फिर ठीक है, बता देना फारिस को कि आइंदा ये बात उसकी जुबान पर नहीं आनी चाहिए। अगर इरम तक ये बात पहुंची ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ इसको आज मेरे पैर, छोड़ दे, छोड़ जा, छोड़ जा। तो तुम क्या सोच रहे थे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे, कि मैंने सुसाइड कर लेना है या फिर धाड़े मार मार के रोना है, नस काट लेनी है, तुम्हें समीरा की कसम देनी है कि प्लीज मुझसे मोहब्बत कर लो, मुझे मत छोड़ो। बस मुझे फिकर थी तेरी उस गलत रास्ते पे चलने की, पर अब तो वो भी नहीं है। देख, तू मेरी बात मान जा, शादी कर ले। ले भाई चला। इसको बोलते छक्का, ये ले। अबे बस कर छक्के। चल भाई। ये तो, ये कैसे छक्का है, दोबारा चल, दोबारा। ओए दोबारा चल, गलत है ये। हाँ अब भाई के टीम। अरे कहाँ थे आप, कब से वेट कर रहे हैं आपका ये? मुझे एक फोन कर देता। लो कितनी कॉल्स की हैं, फोन तो चेक करें अपना आप। अबे यार पता नहीं आजकल अम्मा को क्या हो गया, और कौन उनको तस्वीरें दे देते हैं, वो 50 तस्वीरें लाके सुबह सुबह मेरे आगे रख देती हैं कि ये ले अपने लिए लड़की पसंद कर ले। क्या लड़की, मतलब खुशखबरी जल्दी मिलने वाली है हमें। बे यार सनी, समझा इसको यार, ये क्या कह रहा है। चलो अब ये समझाएगा मन बुद्धि। अबे चुप कर। ओए सनी, पता है ना मेरा। चल 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 चल, फिर से बोल इसको, फिर से बोल, क्या कह रहा था तू। अबे चुप कर, मैं बता रहा हूँ तुझे, समझ जा। चल 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 चल। अबे क्या यार तुम लोग ये। अरे मैं जितने वाला था मुसा भाई, यार चाय पिला। मतलब इसको जिताने के लिए मेरा गेम खराब कर दिया आपने। यार है मेरा। आफरीन है आप पर, मैं तो हैरान हूं, ऐसे भाई भी होते हैं दुनिया में। अब तुम कौन सा नया फसाद मचाना चाह रही हो? पता नहीं मेरी बातें आप लोगों को क्यों चुभती हैं। वैसे सच तो कड़वा ही होता है ना। बहुत ही कड़वा होता है। जो तुम्हारी बातें हैं वो बहुत बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। बोलो क्या कहना है अभी। मैंने क्या बोलना है,
मैं तो वही बोलती हूँ ना जो देखती हूँ। जो तुम देखती हो इसका भी एक मेरे पास बेहतरीन सा सलूशन है। एक काम करते हैं, तुम्हारी आंखें निकाल देता हूँ ताकि जब तुम कुछ देखोगी नहीं, जब देखोगी नहीं तो बोलोगी भी नहीं, कितना सुकून आ जाएगा घर में, ना कोई फसाद, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, बेहतरीन। हाँ हाँ निकाल दो मेरी आंखें, इतनी हिम्मत अगर समीरा के लिए दिखाते ना तो मुझे थोड़ी खुशी होती। क्या यार समीरा समीरा समीरा, क्या क्या है समीरा ने जो तुम्हें इतना तुम इसके पीछे पड़ गई हो? वो कहती कुछ नहीं है, वो सिर्फ करती है, और उसके टाइम पे तो तुम्हारी आंख कान नाक सब बंद होता है ना। और तुम फारिस का सुन के भी इतने इत्मीनान में हो, हैरत है मुझे। तुम्हारे लिए जितने काम जरूरी है ना उतना मेरे लिए भी जो जरूरी हो मैं कर चुका हूँ। फारस एक अच्छी फैमिली का लड़का है, सुलझा हुआ लड़का है, और यही इतना ही जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। और अभी कुछ और कहना है? अगर नहीं है तो निकले, अपना काम करो, तंग नहीं करो फजूल में। मैं तो अपना काम पूरा कर रही हूँ, अगर मैं ना बताती ना तुम्हें तो समीरा के बारे में तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो क्या करती फिर रही है। समीरा मेरी बहन है और मुझे पता है वो क्या कर रही है क्या नहीं, इसलिए बेहतर है तुम अपने काम से काम रखो, निकलो यहाँ से, तंग नहीं करो फजूल में। मैं तो अच्छा करके भी बुरी हूँ और बुरा करके भी बुरी रहती हूँ, पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। इस घर में जिम करा दी मेरी शादी यहाँ पर, जिम शादी हो रहा था, पता नहीं कहाँ मेरे जहाँ पे आ गई है, सुकून से बैठने भी नहीं देती। यार मूसा भाई देखा जाए ना तो खाला 100% ठीक कह रही हैं। तो फिर मैं अम्मी से कहता हूँ कि पहले तेरा रिश्ता करवा दे। नहीं भाई नहीं, पहले आप बने, पहले आप, उसके बाद मैं। अगर तो आपकी शादी के बाद लाइफ ओके गुजरी तो ठीक है, थोड़ा सा भी थोड़ा सा जलालत में इजाफा हुआ ना भाई फिर मेरे तरफ से इनकार है, सॉरी प्लान चेंज। यार फराज पता नहीं क्यों अब मेरा दिल नहीं चाहता इन बातें। यार मूसा भाई जिसके बाद दिल में लिए बैठे हैं ना आप, उसको दो बच्चे मिले हैं रेडीमेड मुंह दिखाई में, पता है आपको? तुझे किसने बताया? यार मूसा भाई अपना भी ना छोटा मोटा नेटवर्क है, वहीं से पता चला है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस चार दिन में कुछ नहीं सोच सकते। आए मेरे साथ बाहर चले, कुछ सोचते हैं आपके लिए, आपके अच्छे के लिए, चले। तो आपने यस क्यों नहीं बोला मॉम? आज आपके और मेरे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए फिनिश हो जाता मॉम, मगर आपने यस तक नहीं बोला। क्या सोचकर? मुझे आपसे इस मिस्टेक की तो नहीं थी मॉम। तो तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी बेवकूफी कर सकती हूँ? तो फिर आपने फौरन से फारिस को यस क्यों नहीं बोला मॉम? अरे एक तो बात आई है उसकी मेरे हाथ में, थोड़ा हैरान होना तो बनता था ना। तो अब आपके माइंड में क्या चल रहा है मॉम? अरे सोचना क्या है, फारिस इरम से शादी करने के लिए इनकार कर देगा, अरसलान की नजरों में फारिस का मुकाम खत्म हो जाएगा, और फिर जब वो इरम की फैमिली के आगे नजरें झुका के खड़े होंगे ना तो उस वक्त इरम से तुम्हारे रिश्ते की बात कर दूंगी। बाप का सर झुकने से बचाने वाले बेटा भी बन जाओगे और इरम की करोड़ों की जायदाद भी तुम्हारी। वाह मॉम आप तो बहुत क्लेवर निकली, लाठी को हाथ लगाए बगैर सांप को मारना चाह रही। ये गुड न्यूज आपने पहले क्यों नहीं दी मॉम? खुश कर दिया आपने। Thank you.
नशा भी करने लगा। सनी सनी बेटा उठ, सनी सनी बेटा उठ ना, ये तूने क्या करा, अब तू तू घर में भी नशा करने लगा। बेटा उठ गया, उठ सनी, तू घर तक लेकर आ गया। सनी बेटा उठ जा, बेटा उठ, बेटा बेटा उठ गया। पानी पानी यार, थक गए मुसा भाई, थक गए। तू अकेला ही आ गया, सनी को भी ले आता। अरे यार मुसा भाई, आपकी कॉल आ दिया ना तो दिमाग कुछ और करता ही नहीं है, आपके पास आने का दर्द। यार ऐसा मत किया कर, सारा दिन घर में बैठा रहता है, मैंने तुझे कहा था उसको काम पे लगा, जाता आप अभी बेचारी पता नहीं कैसे सारा दिन उसको संभालती होगी। सनी उठ, सनी सनी उठ जा बेटा, बेटा उठ, बेटा उठ जा, ये तूने क्या किया, उठ बेटा, बेटा उठ यार, ये तू क्या नशे कर रहा है, घर में भी कर रहा है, क्या कर रहा है, उठ बेटा उठ जा। सनी सनी दुबे रहेगी तो बेटा, ये तू क्या कर रहा है, उठे सनी सनी उठे, उठ जा बेटा उठ जा, ओ सनी कर, सनी कर उठा, सनी कर उठ जा, सनी सनी किस मूसा को खोल कर, मूसा को निजादा की कॉल आ गई। हेलो मूसा, तू जल्दी आ जा, सनी को पता नहीं क्या हो गया, वो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है। क्या बेटा, हाँ जल्दी आ जा, तू जल्दी आ जा, मुझे लग रहा है नशा किया उसने, बेटा जल्दी आ जा। अच्छा मैं बस अभी आ रहा हूँ। सनी सनी मेरे बच्चे उठे, सनी क्या हुआ भी यार, तुझे कहा था उसको लेके आया कर, पता नहीं इंजेक्शन लगा के बैठ गया, चल चले चले चले। बहनी क्या हो सनी, क्या चाहिए? पानी सनील, पानी ये उठ जा। क्या हालत बना के रखी हुई तूने, तू एक ही दिन काम से थक गया। नहीं हो पाएगा, तुझे पता आज आई फैक्ट्री में कोई भी नहीं है, और आज भी जा रहा कहीं काम से। आज सारा दिन ना तूने फैक्ट्री संभालनी है,
संभाल लेगा? किसके लिए करूंगा? जिसके लिए करना था वो तो है ही नहीं। भे हमारे लिए, अपने लिए और अपनी अम्मी के लिए। ये अजीब आदमी है यार, ये काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? काम तो करना पड़ेगा ना। तो एक ही दिन से थक गए, अब किसके लिए आया था? बड़ा मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। पहले पता होता यार, दो लड़के रख लेते इसकी जगह। छोड़ यार, यार मुसाविर से नहीं हो पाएगा। ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? करेगा? ये देख अब क्या बोल रहा है। तू जलील मत करा यार, करेगा कि नहीं बता। सब कर लूंगा, बस अगर अगर रानिया मिल जाए तो। तेरा दिमाग खराब है क्या? जब रानिया नहीं थी तब क्या था? मरा हुआ था क्या? तब भी तो जिंदा था ना। मुझे देख, मैं भी तो तेरे सामने हूं ना। मेरे बारे में नहीं जानता क्या तू? मैं भी हंस खेल रहा हूं, जिंदा हूं। नहीं फर्क पड़ता किसी के जाने से। मैं काम कर अपने लिए, अपनी मां के लिए। रानिया चाहिए तुझे? नहीं है वो यार, इससे नहीं हो पाएगा। इसको जाके फेंक क्या हो वहां। देख मेरी बात, पहले तू सही हो जा, रानिया के काबिल तो हो जा, तभी तो मिलेगी। ऐसी हालत में कैसे? अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। देख नाराज नहीं होना, ठीक है? तू सही हो जाएगा ना। देख तू एक बार सही हो जा, सही है? दोनों मिलके चलेंगे, उसके घर से उठा के ले आएंगे रानिया को। हाँ हाँ सही सही। ऐसे कैसे उठा के लेके आएगा? पहले सही तो हो ना, इस काबिल तो कर। कर लूंगा, कर लूंगा। नहीं इसमें सही हो जा, सही सही हो जाऊंगा, सही हो जाऊंगा, सही हो जाऊंगा। कब? अभी अभी सही हो जाएगा, सही हो गया। हाँ आराम से बैठ 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 बैठ, आराम से सही हो जाएगा ना। हाँ 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 पक्का? हाँ वादा कर। वादा वादा पक्का, वादा पक्का। रानिया फिर उठा के लेके आएंगे उसके घर से। हाँ इसको भी लेके जाएंगे। नहीं ये नहीं, मैं और तू चले। हाँ 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 सही 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 होगा। खाना? खाना नहीं मिलेगा, खाना शाम को, पहले काम करेगा। ठीक है काम करेंगे। हाँ काम करेंगे। कैसे ऐसे जाएगा? नहीं नहीं वहां के जाऊंगा भाग के। चले फिर रेडियो जा। सही है। कम से कम आप लोग तो ये बात ना करें। आप लोग कितने समझदार हैं, ऐसी बातें मत कीजिए। क्या फारिस की खुशी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? लेकिन बेटा। आंटी लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अंकल यू टेल मी, आप क्या कहते हैं? लेकिन बेटा हमारे लिए तो पहले तुम्हारी खुशी है, बाद में फारिस। मैं बिल्कुल समझती हूँ इस बात को, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि फारिस बहुत खुश है और उसने उसके लिए स्टैंड भी लिया है। बेटा मैं खुश हूँ कि तुम इस तरह से सोच रही हो, मगर हम लोग कभी समीरा से मिले नहीं हैं। हमें पता नहीं है कि उसकी नेचर कैसी है, वो हमारी फैमिली के अंदर एडजस्ट कर पाएगी भी कि नहीं। तो फिर आप समीरा के घर जाने की तैयारी करें, क्योंकि मैं तो मिल चुकी हूँ उससे और वो बहुत अच्छी लड़की है, हमारे इस घर में ज़रूर एडजस्ट होगी।
मुझे ऐसा लगता है मुझे फारिस को गुड न्यूज़ सुना देनी चाहिए। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू अंकल। बेगम हम तो ओल्ड स्कूल हो गए हैं, आजकल के बच्चे तो अपने फ्यूचर का फैसला खुद कर लेते। जी ठीक कह रहे हैं आप। देख सनी, मैं नहीं चाहता कि तेरी बीमारी बढ़े, बस एक हफ्ते की बात है, उसके बाद तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझसे तुझे भी मैं पागल लगता। ये किसने कहा कि तू पागल है? तो बस ये कह रहा हूं कि एक हफ्ता अस्पताल रहेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा यार। रानिया की याद का क्या इलाज हो सकता? याद का इलाज होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि तेरी हालत बेहतर हो जाएगी। क्या करूंगा ऐसी हालत को जब देखने के लिए रानिया ही नहीं होगी। तेरी अम्मा खुश हो जाएंगी। अम्मा खुश होगी तो मेरी खुशी का क्या हो सा? यार सनी देख, जिद ना कर यार। मुसा जब उसकी याद आती है ना तो यहां तकलीफ होती है। मैं क्या करूं? मैंने उसके अलावा तो कभी सोचा ही नहीं था। जीना मरना फ्यूचर सब उसके साथ ही तो था, वो ही तो थी जिसने जिंदगी दिखाई मुझे। अंधेरे में रोशनी की किरण, उम्मीद। अभी मैं जब उन रास्तों से गुजरता हूं ना मूसा, जहां उसके साथ जिंदगी के हसीन पल, हसीन लम्हे गुजारे, वो जगह रोक लेती है मुझे, जकड़ लेती हैं मुझे, जैसे जैसे बेड़ियों के साथ भारी पत्थर जो टस से मस नहीं होते, मेरे पंजे गड़ जाते हैं जगहों पर, मैं वहीं रह जाता हूँ, मैं वहां बैठा रहता हूँ। रोता रहता हूँ मैं मूसा, मैं नहीं था मैं इतना कमजोर। लोग हंसते हैं कि तू इतना कमजोर कैसे हो सकता है। मैं तो आशिकों पे हंसता था आशिकों पर इश्क की बद्दुआ लग गई है मुझे। किसी आशिक की हाय लगी है मूसा, नजर लग गई है, हम एक जिस्म एक जान, और अब सिर्फ ये जिस्म बेजान। क्या करूं मैं आना चाहता हूँ जिंदगी में वापस। मुझे एहसास है मेरी माँ का, मगर मैं कहाँ हूँ वापस? जिंदगी नहीं है, रोशनी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। जब उसकी याद आती है तो घर में होता हूँ तो घर से भाग जाने का दिल करता है, बाहर होता हूँ तो घर जाने का दिल करता है, सांसें ले रहा होता हूँ तो मर जाने का दिल करता है, मर जाने का दिल करता है। टूट गया हूँ मूसा, कोई सहारा नहीं है मुझे। तेरे साथ होता हूं तो लगता है कि कोई सुनने वाला है, लेकिन तुझसे भी भागने का दिल करता है मूसा,
सा क्या करूं, जिंदगी रास नहीं आई मुझसे, जिंदगी रास सास नहीं आई। तू खुशकिस्मत है, तेरे पास जिंदा रहने के लिए उसकी यादें तो है, मेरे पास तो कोई याद भी नहीं बनी। तो उसकी यादों को जिंदा रखने के लिए जिंदा रह ले, सही हो जा। तेरी नजर में शायद मैं खुशकिस्मत हूं, लेकिन मेरी जगह से देखेगा तो तू बहुत खुशकिस्मत है मूसा। ऐसा ही है, अपने हाल में कोई खुश नहीं मूसा। मुझे भी घर जाना है। थोड़ी देर रुक जा, अगर नहीं जा रहा अस्पताल तो नहीं जाएंगे। मैं भी घर जा रहा हूं, मैं कल आ जाऊंगा तेरे पास। अच्छा चल ठीक है, बैठ जा, फराज आता है उसके साथ भेज दूंगा। मैं अकेला चला जाऊंगा, पास ही है, पैदल चला जाऊंगा मैं। हे फराज आता है, मैं भेज दूंगा, बैठ जा। अरे मैं पैदल चला जाऊंगा ना, चला जाऊंगा पैदल, मैं कल सुबह आ जाऊंगा, कल आ जाऊंगा। ठीक है चला, मैं छोड़ के। नहीं मैं चला जाऊंगा। बर्तन भी धो दिए, किचन भी साफ कर दिया है, चावल सालन फ्रिज में रख दिए। आज अब जल्दी आके लेट गई है। अम्मा आपको तो बुखार है। हाँ बस थोड़ी थकावट हो गई थी, हरारत हो गई होगी बुखार की। थोड़ी? अच्छा खासा बुखार है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? अरे नहीं रहने दे डॉक्टर को, मैं दो गोलियां खा लूंगी, सही हो जाएगी, सर दर्द है बस। गोलियां खा लेंगे सर दर्द, मैं सर दबा दूं? नहीं तू पहले ही थका हुआ है, आ बैठे दम, बैठ जा। क्या हो गया, नींद भी पूरी नहीं की तूने, क्या करता रहा है किचन में? अरे वही जो आप करती हो, किचन साफ किया, बर्तन धोए, अपने लिए चाय बना रहा था, सोचा आपके लिए बना लेता हूँ, दोनों मिलके पी लेंगे। पहले चाय पी ले, फिर उसके बाद मैं आपको सर दर्द की दवाई दे दूंगा, अभी खा के सुकून से सो जा रहा, मुझे भी सुकून हो जाएगा, फिर भी सो जाऊंगा। अपनी हालत देख क्या बना रखी है तुमने, आराम कर ले। बहुत चीनी डाल दी है इसमें, शायद बुखार की वजह से।